गाइस आज पठान मूवी को वर्ल्ड वाइड इंडिया सिनेमा में रिलीज हुए पूरे 68 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे पठान वीडियो वन से लेके अब तक वर्ल्ड वाइड में कितना कलेक्शन कर चुके हैं और पठान मूवी को चाइना और लतीन बांग्लादेश में रिलीज कर दिया गया है। जापान से पठान मूवी का कलेक्शन बहुत बढ़िया हमको देखने को मिल रहा है। वही बात करेंगे अजय देवगन की मच अभिनय मूवी भोला मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गाइस भोला मूवी को 30 मार्च को वर्ल्ड वाइड इंडिया सिनेमा में 4000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज किया गया था और गाइस भोला मूवी का बजट 150 करोड़ था। अगर बात करें दशहरा तेलुगु इंडस्ट्री की मूवी जिसको भी 30 मार्च को वर्ल्ड वाइड में रिलीज किया गया था, दशहरा मूवी का 65 करोड़। दशहरा मूवी अपने पहले दिन 23 करोड़ 2 लाख का कलेक्शन। बात करें भोला मूवी ने पहले दिन 11 करोड़ 20 लाख का इंडिया से कलेक्शन किया था। अगर बात करें ओवरसीज ग्रास में भोला मूवी को 88 विदेशों में 1850 स्क्रीन के ऊपर रिलीज किया गया है। अगर आप लोग अजय देवगन के फैन हो या शाहरुख खान के फैन, इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस पठान मूवी ने अपने पहले ओपनिंग डेज में 57 करोड़ का हिंदी बजट में कलेक्शन किया था, जबकि तू झूठी मैं मकान ने 15 करोड़ का की, जबकि तू भोला ने 11 करोड़ 20 लाख ओपनिंग लिया है। गाइस भोला मूवी ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड में 20 करोड़ का कलेक्शन किया, 20 करोड़ 5 लाख का। जी हाँ गाइस भोला मूवी ने पहले दिन ओवरसीज ग्रास में बाहर की कंट्री से 7 करोड़ का कलेक्शन करके पहले दिन 20 करोड़ का सुपरहिट होने का साबित रिकॉर्ड कायम कर दिया था। गाइस अगर बात करें भोला मूवी का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो गाइस भोला मूवी ने दूसरे दिन इंडिया से 8 करोड़ का कलेक्शन करके इंडिया से 2 दिनों के अंदर 19 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन कर लिया था और वर्ल्ड वाइड में 2 दिनों के अंदर 35 करोड़ का कलेक्शन किया था। बात करें भोला मूवी का तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस के बारे में, सैटरडे को भोला की कमाई में 15% जंप देखने को मिला था। भोला मूवी ने तीसरे दिन इंडिया से 12 करोड़ का कलेक्शन किया। फिर से अगर बात करें भोला मूवी 3 दिनों का इंडिया से 30 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन कर चुकी है और वर्ल्ड वाइड में भोला मूवी 50 करोड़ के आंकड़े को भी क्रॉस कर चुकी है। अगर बात करें भोला मूवी का डे 4 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो गाइस भोला मूवी ने पहले दिन नेशनल सिनेमा से 5 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया था, दूसरे दिन नेशनल सिनेमा से 3 करोड़ 36 लाख का कलेक्शन किया था और तीसरे दिन भोला मूवी ने नेशनल सिनेमा सैटरडे को 5 करोड़ लगभग 6 करोड़ का कलेक्शन किया था और संडे आज के दिन भोला मूवी चौथे दिन पूरे नेशनल सिनेमा से 8 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल हो चुकी है और वर्ल्ड वाइड में भोला मूवी चौथे दिन पूरे 25 करोड़ का कलेक्शन करेगी। और अगर बात करें भोला मूवी 4 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड में 80 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर सकते हैं। अगर बात करें पठान मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो गाइस आज तक पठान वर्ल्ड वाइड में 1050 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। अगर आप लोग पठान की कमाई को US डॉलर में कन्वर्ट करते हो, अब तक पठान 128 मिलियन US डॉलर कमा के 2023 में जो टॉप 10 मूवी रिलीज हुई थी उनमें नंबर 10th पे पूरे वर्ल्ड में। और अगर बात करें पठान ऑल इंडिया लैंग्वेज में 545 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है, जिसमें 527 करोड़ हिंदी बेल्ट है, बाकी का 21 करोड़ तेमी तंगोर मलन से है। गाइस पठान मूवी को चाइना में भी रिलीज करने वाले हैं, आज या कल के दिन पठान मूवी चाइना में रिलीज हो जाएगी और बॉक्स ऑफिस ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया पठान मूवी चाइना में रिलीज होने के बाद 200 करोड़ के आंकड़े को 100% क्रॉस करेगी और दंगल मूवी के जेफ ट्रिब्यूट RRR मूवी के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को तोड़ेगी और बाहुबली के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ेगी। आप लोग इस कॉमेंट सेक्शन में बताओ पठान मूवी चाइना से कितना कलेक्शन करेगी। अगर बात करें पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड का चाइना में बहुत ज्यादा क्रेज, स्पेशली शाहरुख खान का चाइना में काफी बढ़िया हमको क्रेज देखने को मिलता है। दंगल मूवी ने चाइना से 1300 करोड़ की कमाई की थी। अगर बात करें सुपरस्टार ने बाहर की कंट्री से 910 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि बजरंगी भाईजान ने 537 करोड़ का बाहर की कंट्री से कलेक्शन किया था और बाहुबली 2 ने ओवरसीज ग्रास में बाहर की कंट्री से 393 करोड़ का कलेक्शन किया। अब तक पठान भी बाहर की कंट्री से 395 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी पूरे वर्ल्ड वाइड में विदाउट चाइना मार्केट। और जब पठान भी चाइना में रिलीज होगी तो पठान भी बाहर की कंट्री से 700-800 करोड़ का कलेक्शन करके लाइफ टाइम में बाहुबली 2 KGF 2 RRR के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। लेकिन गाइस दंगल मूवी ने लाइफ टाइम में 2200 करोड़ का कलेक्शन किया है। पठान मूवी दंगल मूवी के रिकॉर्ड को तोड़ने में थोड़ा हमको मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन गाइस पठान ब्लॉकबस्टर शाहरुख खान के नेक्स्ट में जवान 21 अप्रैल को आपको न्यू सॉन्ग्स और टेसर भी देखने को मिलेंगे। जवान बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएगी, सोनामी लेके आएगी। आज के लिए इतने में आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब।